शुभदीप सिंह सिद्धू, जिनको हम सिद्धू मूसेवाला नाम से भी जानते हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। 29 मई को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, ये पॉपुलर पंजाबी सिंगर, रैपर, एक्टर और पॉलिटिशियन थे, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। इनके गाने लोगों को बहुत पसंद आते थे और इन्होंने अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिंगर निंजा के लिए गाने लिखकर की थी और एज अ सिंगर एक से एक सुपरहिट गाने दिए। लेकिन जब 29 मई को खबर आई कि सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई तो पूरा भारत सदमे में चला गया और किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी और सिद्धू काफी पढ़े लिखे थे। इन्होंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। बात करें इनकी फैमिली के बारे में तो दोस्तों, इनके परिवार में इनके पिता और माँ है और सिद्धू मूसेवाला अपने माँ और पिता के एक लौते बेटे थे। इनके पिता का नाम बलकौर सिंह है और माँ का नाम चरण कौर है, जो कि दोनों अब इस दुनिया में अकेले पड़ गए हैं और अपने बेटे को खो दिया। सिद्धू मूसेवाले की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने अपने रिलेशनशिप पार्टनर की पहचान प्राइवेट रखी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला की मां ने उनकी शादी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, थोड़ा और समय बस, फिर वे सिंगल नहीं रहेगा। हमने उनकी शादी की तैयारी शुरू कर दी है, जो इस साल के चुनाव के बाद होगी। उनकी मां के अनुसार सिद्धू ने अपने लिए एक लड़की चुनी थी और ये कोई अरेंज मैरिज नहीं होने वाली थी। सिद्धू जिसे डेट कर रहे थे उसके बारे में जानकर और परिवार के एक नए सदस्य को जोड़ने के लिए सभी बहुत खुश थे। अब सिद्धू की दुखद मौत ने उनके परिवार में एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया है और पूरे देश को सदमे में डालकर रख दिया है। तो दोस्तों, ये थी सिद्धू मूसेवाले की फैमिली। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं सिद्धू मूसेवाले का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।